दोस्तों आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि आप किस तरीके से 30 सेकंड में एक एफिड वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं गूगल बार्ड व एआई टूल के माध्यम से। इस वेबसाइट के ऊपर आप अपने एफिड प्रोडक्ट्स व सीपे ऑफर्स को प्रमोट कर सकते हैं और प्रमोट कर आप यहां पर डे के हंड्रेड्स ऑफ डॉलर को भी अर्न कर सकते हैं। और इस वीडियो में आपके साथ एक फ्री का ट्रैफिक सोर्स भी शेयर करने वाला हूं जिसके माध्यम से आप अपनी वेबसाइट के ऊपर इनिशियल ट्रैफिक को भी निकाल सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपके साथ आज का एआई टूल शेयर कर देता हूं जिसका यूज कर हम यहां पर एक प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट करने वाले। दोस्तों इस टूल का नाम है leap.co, बहुत ही बेहतरीन टूल है। एंड दोस्तों इस टूल के माध्यम से आप यहाँ पर इमेजेस व टेक्स्ट को कॉपी एंड पेस्ट कर 30 सेकेंड में ही अपनी एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते। अब इसके माध्यम से आपको यहाँ पर किस तरीके से अपनी वेबसाइट क्रिएट करनी है उसकी भी जानकारी मैं आपको देता हूँ। तो दोस्तों वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर आना है एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है गेट स्टार्टेड फॉर फ्री का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू पेज आएगा एंड यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप किस टाइप का यहाँ पर अपनी वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक पर्सनल ब्लॉग क्रिएट करना चाहता हूँ तो हम यहाँ पर पर्सनल ब्लॉग इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक न्यू पेज आता है एंड यहाँ पर हमसे हमारा गोल पूछा जाता है कि आप अपनी वेबसाइट के माध्यम से क्या करना चाहते हैं। जैसे कि हम अपनी वेबसाइट के माध्यम से मनी मेक करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर मेक मनी ऑनलाइन के ऊपर टिक कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर मेक मनी ऑनलाइन के ऊपर टिक करते हैं तो हमारे सामने यह वाला पेज आता है एंड यहाँ पर आपके बिजनेस का नेम पूछा जाता है। सब किस निश के ऊपर अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं उसके नेम को आपको यहाँ पर टाइप कर देना। जैसे कि हम यहाँ पर मेक मनी ऑनलाइन की निश के ऊपर अपनी एक वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं मेक मनी ऑनलाइन। इतना टाइप करने के बाद आपको नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह वाला पेज आएगा एंड यहाँ पर आपको आपके बिजनेस को एक्सप्रेस करने के लिए कहा जाएगा कि आप अपने बिजनेस के अंदर क्या क्या रखना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पर एक्सप्रेस कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर मेक मनी ऑनलाइन की टिप्स से रिलेटेड एक वेबसाइट क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ मेक मनी ऑनलाइन टिप्स। इस प्रकार से आपको यहाँ पर अपनी नीश को डिस्क्राइब करना है कि आप किस टाइप की वेबसाइट यहाँ पर बनाना चाहते हैं। इतना काम करने के बाद अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर अन्य कंटेंट को भी ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर अपने लोगो को लगाना चाहते हैं, यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट के लिए इमेजेस को अपलोड करना चाहते हैं, अपने सोशल मीडिया के लिंक्स को भी लगाना चाहते हैं, अगर आप जो भी चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं आपको सिंपली यहाँ पर ऐड कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट यहाँ पर क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएगी। 30 से लेकर 40 सेकेंड का समय यहाँ पर जाएगा और उसके बाद आपकी एक प्रोफेशनल वेबसाइट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। सो गाइज यू कैन सी इस टूल के माध्यम से हमने यहाँ पर एक प्रोफेशनल वेबसाइट को क्रिएट कर लिया है। एंड दोस्तों आप यहाँ पर हमारी वेबसाइट के डेस्कटॉप और मोबाइल प्रीव्यू को भी देख सकते हैं। आप यहाँ पर साफ देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट कितनी प्रोफेशनल क्रिएट हुई है। एंड दोस्तों इस टूल की खासियत यहाँ पर यह है, ये टूल आपके मेन कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करता है और इसी के अकॉर्डिंग आपकी पूरी वेबसाइट को बिल्ड कर देता है। जैसे कि हमारा मेन कीवर्ड यहाँ पर है मेक मनी ऑनलाइन एंड आप यहाँ पर हमारा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बॉडी, कंक्लूजन सब कुछ देख सकते हैं। आपको यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हमारा मेन कीवर्ड कितने अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज किया। अगर आपको अपनी वेबसाइट के अंदर किसी भी प्रकार का चेंज करना है, जैसे कि मान लो आपको अपनी वेबसाइट के टाइटल को चेंज करना है तो आपको यहाँ पर आना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके माध्यम से आप यहाँ पर अपने टाइटल को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर अपने टाइटल को कस्टमाइज करना है तो उस केस में आपको यहाँ पर आना है H1, इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके माध्यम से आप यहाँ पर अपने टाइटल को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपको यहाँ पर अपने टाइटल के साइज को चेंज करना है तो इसके माध्यम से आप यहाँ पर इसके साइज को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर इसको बोल्ड करना है, नैरो करना है, जो भी चीज आपको यहाँ पर करनी है तो इसके माध्यम से आप यहाँ पर अपने टाइटल को नैरो व बोल्ड भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर फॉन्ट को चेंज करना है तो इसके माध्यम से आप यहाँ पर फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं। उसी प्रकार से आप यहां पर अपने डिस्क्रिप्शन को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और H2 के माध्यम से आपको यहां पर अपने डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज कर लेना है। अगर आप यहां पर अपने डिस्क्रिप्शन को चेंज करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहां पर कॉपी एंड पेस्ट के माध्यम से भी अपने डिस्क्रिप्शन को चेंज कर सकते हैं।
यहाँ पर एक प्रोफेशनल इमेज भी लगी हुई है। अगर आपको यह इमेज पसंद नहीं आ रही और आपको यहाँ पर अपनी इमेज को चेंज करना है तो आपको इसके ऊपर आना है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आप अपनी खुद की इमेज को अपलोड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर फ्री की इमेज को सर्च करके लगाना चाहते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पर अपना मेन कीवर्ड डालना है। आपके सामने बहुत सारी इमेज आएंगी, उनमें से जो भी इमेज आपको पसंद आ रही है तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और उसको आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। अगर आपको यहाँ पर अपनी इमेज के अंदर किसी भी प्रकार का चेंज करना है तो इसके माध्यम से आप यहाँ पर अपनी इमेज के अंदर किसी भी प्रकार का चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मान लो अगर आपको अपनी बॉडी को यहाँ पर चेंज करना है, मान लो आप यहाँ पर इस कीवर्ड के अकॉर्डिंग इस टेक्स्ट को यहाँ पर नहीं रखना चाहते, आप यहाँ पर किसी अन्य टेक्स्ट को रखना चाहते हैं तो उसको भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर अन्य टेक्स्ट को रखना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, इसको आपको यहाँ से डिलीट कर देना है और यहाँ पर आपको अन्य टेक्स्ट को ऐड कर देना है। एंड गाइस, टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर गूगल बार्ड का यूज कर सकते हैं। गूगल ने हाल ही में अपना एक AI टूल लॉन्च किया है जिसके माध्यम से आप यहाँ पर प्रोफेशनल कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं, जिसको आप अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो कंटेंट क्रिएट करने के लिए आपको तो यहाँ यहां से आपको अपने टेक्स्ट को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको गूगल बार्ड के ऊपर आना है, इसके ऊपर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। जैसे ही आप यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपके सामने यह वाला पेज आएगा एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एंटर ए प्रॉम्प्ट हियर का। तो यहाँ पर आपको अपने कीवर्ड को पेस्ट करना है, देन एंटर इसके ऊपर क्लिक कर देना। गूगल ऑटोमेटिकली आपके लिए यहाँ पर एक प्रोफेशनल कंटेंट को क्रिएट कर देगा जिसको आपको यहाँ से कॉपी करना है एंड कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर उससे रिप्लेस कर देना। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर अपने कंटेंट को चेंज करना चाहते हैं तो उसको भी आप यहाँ पर गूगल डॉट बार के माध्यम से चेंज कर सकते हैं। इतना काम करने के बाद आपको यहाँ पर आना है। अगर आप यहाँ पर अपने ईमेल्स को कलेक्ट करना चाहते हैं तो उस केस में आप यहाँ पर ईमेल फॉर्म को यूज कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर इसको डिलीट कर देना है। एंड यहाँ पर आपको कॉल टू एक्शन मिलता है जिसके अंदर आप अपने एफर्ट लिंक को लगा सकते हैं। जैसे कि मान लो मुझे यहाँ पर अपने एफर्ट लिंक को लगाना है तो हम सिंपली इसके ऊपर क्लिक करते हैं, हमारे सामने लिंक लगाने का ऑप्शन आएगा तो आपको यहाँ पर आना है, यहाँ से आपको डिलीट करना है। उसके बाद आपको अपने एफर्ट नेटवर्क को बजाना है जहां से आपको अपने लिंक को कॉपी करना है। जैसे कि हम यहाँ पर मेक मनी ऑनलाइन के प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम Resho24 का यूज करने वाले हैं, तो हमने Resho24 के ऊपर आ चुके हैं, इसके ऊपर हमने लॉग इन कर लिया है। उसके बाद हमें जाना है इंटर मार्केटिंग एंड ईबिजनेस के ऊपर। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ वाला पेज आएगा एंड यहाँ पर आपको एक मेक मनी ऑनलाइन का प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसका नाम क्या है, सीक्रेट मिलियन बोट। इसी को हम यहाँ पर प्रमोट करने वाले, तो हम यहाँ पर जाते हैं, यहाँ से हम इसके एफर्ट लिंक को कॉपी कर लेते हैं। अगेन हमको यहाँ पर आना है एंड यहाँ पर हमें इसके एफर्ट लिंक को पेस्ट कर देना है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको अपने कॉल टू एक्शन के अंदर अपने एफर्ट लिंक को लगा लेना है। अगर आप यहाँ पर अन्य इमेजेस को ऐड करना चाहते हैं या फिर आप यहाँ पर अन्य कॉल टू एक्शन को ऐड करना चाहते हैं या फिर आप यहाँ पर अपने टेक्स्ट को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको प्लस का ऑप्शन मिलता है। इसके माध्यम से आप यहाँ पर अन्य चीजों को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर अपने अन्य एफर्ट लिंक्स को लगा सकते हैं। अगर आपके पास YouTube वीडियो है तो आप इसके माध्यम से अपने वीडियोस को अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर अपनी अन्य इमेजेस को भी ऐड करना चाहते हैं तो पिक्चर्स के माध्यम से आप यहाँ पर और भी ज्यादा इमेजेस को भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर टेक्स्ट के माध्यम से और भी ज्यादा टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर अपने सोशल मीडिया के लिंक्स को लगाना है तो इसके माध्यम से आप यहाँ पर अपने सोशल मीडिया के लिंक्स को लगा सकते हैं। इतने सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलते हैं जिसके माध्यम से आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट को प्रोफेशनल बना सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर अपनी कंप्लीट वेबसाइट को रेडी कर लें, मीन्स यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट को अच्छे से ऑप्टिमाइज कर लिया, उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी वेबसाइट का SEO करना है ताकि आपकी वेबसाइट गूगल के ऊपर रैंक होनी स्टार्ट हो जाए। तो SEO करने के लिए आपको यहाँ पर SEO का ऑप्शन मिलता है तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है एग्जाम्पल ऑफ टाइटल का। तो यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट के मेन टाइटल को पुट कर देना। जैसे कि हमारा मेन टाइटल यहाँ पर क्या है, मैक्सिमाइज अर्निंग ऑनलाइन टिप्स हियर, तो हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, इसको हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट के लिए डिस्क्रिप्शन क्रिएट करना है एंड दोस्तों डिस्क्रिप्शन क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर गूगल बार्ड को यूज करने वाले हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पर आना है एंड यहाँ पर आपको टाइप कर देना है राइट 150 वर्ड्स ऑन हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। ऑटोमेटिकली गूगल बार्ड आपको यहाँ पर एक टेक्स्ट क्रिएट करके दे देगा जिसको आपको यहाँ से कॉपी करना है एंड कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर उसको पेस्ट कर देना। इस प्रकार से यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का SEO करना है ताकि आपकी वेबसाइट यहाँ पर गूगल के ऊपर रैंक होनी स्टार्ट हो जाए। अगर आप यहाँ पर अन्य टेक्स्ट को भी ऐड करना चाहते हैं तो इसके माध्यम से आप अपनी वेबसाइट के अंदर और भी ज्यादा टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है डेस्कटॉप सेटिंग्स का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके माध्यम से आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट के लेआउट को भी चेंज कर सकते हैं।
मान लो आपको यहाँ पर अपनी वेबसाइट को थोड़ा सा ब्रॉड करना है, तो इसके माध्यम से आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट को ब्रॉड भी कर सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पर बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलता है, जिसके माध्यम से आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट के बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं। मान लो आपको अपनी वेबसाइट के बैकग्राउंड के अंदर इमेज को लगाना है, तो पिक्चर्स के माध्यम से आप यहाँ पर इसके बैकग्राउंड के अंदर इमेजेस को लगा सकते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट के बैकग्राउंड के कलर को चेंज करना चाहते हैं, तो कलर्स के माध्यम से आप यहाँ पर अपने बैकग्राउंड के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप इमेजेस को भी सर्च कर सकते हैं, जिसको आप अपने बैकग्राउंड कलर अंदर लगा सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपको अपनी कंप्लीट एक एफर्ट वेबसाइट को रेडी कर लेना है। अब वेबसाइट को रेडी करने के बाद आपको इसको पब्लिश कैसे करना है, उसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। तो दोस्तों, पब्लिश को करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर आना है, पब्लिश इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज आएगा, एंड यहाँ पर आपको इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट क्रिएट करने के लिए कहा जाएगा। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर आना है, एंड यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम डाल देना है, यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस डाल देना है, देन यहाँ पर आपको अपने पासवर्ड को क्रिएट करना है, देन साइन अप इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ईमेल आएगा, जहां पर आपको अकाउंट वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा। आपको यहाँ पर अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है, और आपका leap.com के ऊपर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसे ही आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट होगा तो आपके सामने यह वाला इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी वेबसाइट के लिए यूआरएल को क्रिएट करना है, तो यूआरएल को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर आना है, एंड यहाँ पर आपको अपना मेन कीवर्ड लिख देना है, जिसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर अपनी वेबसाइट को क्रिएट किया है। जैसे कि हमने यहाँ पर मेक मनी ऑनलाइन के अराउंड अपनी वेबसाइट को क्रिएट किया है, तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं मेक मनी ऑनलाइन। इतना काम करने के बाद आपको यहाँ पर आना है, एंड पब्लिश इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट यहाँ पर पब्लिश हो जाएगी। अब आपकी वेबसाइट गूगल के ऊपर कैसे दिखाई देगी, उसका भी मैं आपको यहाँ पर रिव्यू दे देता हूँ। तो यहाँ से हम अपनी वेबसाइट के लिंक को कॉपी करते हैं, और इसको हम यहाँ पर गूगल के ऊपर पेस्ट कर देते हैं, देन एंटर इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसा हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारी वेबसाइट का प्रिव्यू आ जाएगा, एंड यू कैन सी हमारी वेबसाइट कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई देगी। तो गाइस, इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस, अब बात करते हैं ट्राफिक की, मीन्स आप किस तरीके से अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक को ला सकते हैं। तो दोस्तों, इस वेबसाइट को गूगल के ऊपर रैंक होने में थोड़ा समय लगेगा, उससे पहले आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ ट्रैफिक को तो लाना ही पड़ेगा, ताकि आप यहां से मनी मेक कर पाए। उस केस में मैं आपके साथ कुछ फ्री के ट्रैफिक सोर्स और कुछ पेड ट्रैफिक सोर्स बताने वाला हूँ, जिनके माध्यम से आप अपनी वेबसाइट के ऊपर इनिशियल ट्रैफिक को ला सकते हैं। एंड दोस्तों, इन ट्रैफिक सोर्सेस के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोज बना रखी है। अगर आपको फ्री के ट्रैफिक सोर्सेस के बारे में जानकारी चाहिए, तो उस केस में आपको हमारी फ्री ट्रैफिक फॉर एफिलिएट मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को देख लेना। अगर आपको पेड ट्रैफिक सोर्सेस के बारे में जानकारी चाहिए, तो उस केस में आपको हमारी पेड एफिलिएट मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को देख लेना। तो फ्री के ट्रैफिक सोर्स की पहले हम बात कर लेते हैं। तो आप अपनी वेबसाइट को इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, टम्बलर के ऊपर, मेवी के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, पिंटरेस्ट के ऊपर, इसके अलावा भी आपको यहाँ पर बहुत सारे फ्री के ट्रैफिक सोर्सेस मिल जाते हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी वेबसाइट के ऊपर इनिशियल ट्रैफिक को ला सकते हैं। अब हम बात करते हैं पेड ट्रैफिक सोर्सेस की। तो आप अपनी वेबसाइट को पॉपुलर एड्स के ऊपर, एड्स डेटा के ऊपर, ट्रैफिक स्टार्स के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, पिंटरेस्ट के ऊपर, कोरा एड्स के ऊपर, इसके अलावा भी आपको यहाँ पर बहुत सारी चीप एड्स की वेबसाइट मिल जाती हैं, जिनके ऊपर आप अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हैं, और कुछ ही रुपए के अंदर आप यहाँ पर बहुत सारे क्लिक्स को प्राप्त कर सकते हैं।